हाय एवरीवन, रिडक्शन देख रहे थे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का और हाइड्रोकार्बन में जो रिडक्शन होगा उसका चार मेथड्स करे थे हमने। उसके लिए सबके अपने अलग इम्पोर्टेंस थे। अब आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देखेंगे अल्कोहल में। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन अल्कोहल में कैसे होगा। इसके लिए कई रिएजेंट हैं, जिसके मदद से यह काम किया जा सकता है। तो ये जो दो हमने पढ़ा है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, हाइड्रोजन आएगा, कहीं से भी आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब दो हाइड्रोजन में एक कार्बन पे जोड़ना है, एक ऑक्सीजन पे, बस इतना सा काम है। तो ये हो जाएगा RCH2OH, यहाँ भी ऐसे ही चलेगा, दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, तो RCHOHR-, मतलब यहाँ से बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल और यहाँ से बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। तो द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इट्स 1 डिग्री अल्कोहल, वाइल द रिडक्शन ऑफ कीटोन इट्स 2 डिग्री अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ लिया जा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी कॉमन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगेन वेरी कॉमन। इसके अलावा और भी कई रिएक्शंस हैं, MPP रिडक्शन वगैरह है, रैनी निकेल हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई रिएजेंट है, देखेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन वैरी, रिड्यूसिंग एजेंट के आधार पे प्रोडक्ट का नेचर जो है वैरी करता है। अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह रहा तो अलग अलग बात यहाँ पर आता है। तो पहले तो हम लोग इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के नेचर को समझेंगे कि LiLH4 NaBH4 किस नेचर के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन देंगे। अब हाइड्रोजन तीन तरीके से जा सकता है, एक H+ के रूप में जिसको प्रोटॉन कहते हैं, एक H- के रूप में जिसे हाइड्राइड कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रल जो H2 जाता है वैसे। तो तीनों का अलग अलग तरीका है, तीनों जाकर के जुड़ेगा तो कंपाउंड का ओवरऑल रिडक्शन ही होना है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो वही हम लोग अभी करेंगे क्या कि इस रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर को ज़रा समझेंगे कि किस तरह का नेचर है। तो सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग कंपेयर करते हैं एक साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्सेस सोडियम बोरोहाइड्राइड, वैसे इसका नाम हम लोग नॉर्मली है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड लिखा हुआ है किस बात को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि H यहाँ माइनस के फॉर्म का होगा। इसलिए बताया ना कि H कई तरीके से जाकर के हो सकता है, जैसे HI, अब इसमें हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा था तो H+ के रूप में सप्लाई हो रहा था,
यहाँ हाइड्रोजन H माइनस के रूप में जाएगा, रैनी निकल लेते हैं तो H2 न्यूट्रल है ऐसे। तो इस हाइड्रोजन के नेचर को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं, क्योंकि H पे माइनस है। दोनों के दोनों किस नेचर के हैं? न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं। देखोगे वैसे तो Li पे यहाँ प्लस, Al पे माइनस, Na पे यहाँ प्लस, BH4 पे माइनस। तो ये Li प्लस और Na प्लस तो यहाँ काउंटर आयन है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है केवल इस सिस्टम का, जहाँ हम लोग को दिख रहा है कि नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है और नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं कि यह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। LiLH4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड मतलब कि ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ही बहुत वीक है, और ई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि ये दोनों हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स या दीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर का इस्तेमाल कर, मतलब ये H प्लस नहीं देते हैं बल्कि H माइनस देते हैं। अब जो लिखे कि LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है वो माइल्ड है, तो ऐसा क्यों है, आखिर इसमें क्या खास है? तो दोनों में जो अंतर दिख रहा है वो दो चीज़ का, एक यहाँ काउंटर आयन है यानी Li प्लस, और यहाँ का जो काउंटर आयन है वो है Na प्लस। सेंट्रल में यहाँ है एल्यूमिनियम, सेंट्रल में यहाँ है बोरोन। तो देखो होगा क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर, काउंटर आयन के रूप में यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा दिखाएंगे इसको हम लोग, Li प्लस होगा। इसको दिखाओगे तो Na प्लस और यहाँ से BH4 माइनस। अब हम कहें कि ये करते क्या है कि ये पूरा हाइड्रोजन को बॉन्ड सहित, ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन सहित कहने का मतलब कि H जब दो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो H माइनस बनेगा, इसलिए हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा ये पूरा H माइनस। और यहाँ भी वैसे ही चलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है तो पूरा यहाँ से बाहर होगा H माइनस इस तरह से। तो इसमें अब होना क्या है कि ये चीज़ को देखना है कि दोनों में से कौन आसानी से हाइड्राइड दे पाएगा, दोनों में से कौन आसानी से हाइड्राइड दे पाएगा, बस इस बात को सीखना है और समझना है केवल। तो हाइड्रोजन दोनों जगह है कॉमन, यहाँ एल्यूमिनियम है और यहाँ क्या है बोरोन। एल्यूमिनियम और बोरोन में हम लोग जान रहे हैं ऐसे कि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, 13 के बोरोन और एल्यूमिनियम ऐसा। डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ज़्यादा है। अब यदि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब हुआ कि यह हाइड्रोजन यहाँ आसानी से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा सकता है। लेकिन बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की तुलना में ज़्यादा, हालांकि बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम है, बोरोन का 2.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 लेते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमको लगता है बहुत कम है, 1.5 या समथिंग के आसपास होता है, है? तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकल पाना आसान होगा क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
और यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कंपेरेबल है, तो हाइड्रोजन का इस तरह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागना आसान नहीं होगा। कहने का मतलब कैन ईजिली ट्रांसफर एच माइनस, और इसमें बात नहीं होगा, कैन नॉट ईजिली ट्रांसफर एच माइनस। ये बड़ा आसानी से एच माइनस को ट्रांसफ़र कर देगा और वो जो है आसानी से एच माइनस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, रीजन साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ से लिखते हैं कि एल्यूमिनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्ज साइज्ड एंड लार्ज साइज्ड, जबकि यहाँ हम लोग लिखेंगे बोरोन के बारे में कि बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अ स्मॉल साइज्ड। तो एक तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज भी छोटा है, तो ये तो बॉन्ड भी छोटा होगा, मजबूत होगा, मजबूत भी और हाइड्रोजन बढ़िया से लेके भाग भी नहीं पा रहा है। यहाँ बॉन्ड भी कमज़ोर है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा ही आसानी से यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, मतलब हाइड्राइड का फैसिलेशन जो है यहाँ से ज़्यादा होगा उसके तुलना में। तो एक तो वजह ये हो गया। दूसरा वजह है इसका काउंटर आयन का। देखो, जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे ऐसा सी डबल बॉन्ड हो, अब अभी तो हम लोग देख लिए कि LiLH4 करेगा क्या कि H माइनस को यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, तो ऑब्वियसली H माइनस यहाँ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, तो ये बन जाएगा सी ओ पे सिंगल माइनस H। अब यहाँ O पे माइनस आया तो इसके लिए कोई काउंटर आयन चाहिए ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो काउंटर आयन दो पॉसिबल है, LiLH4 है तो Li प्लस रहेगा और NaBH4 है तो Na प्लस। अब हम लोग को देखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, लिथियम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है कि सोडियम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, दोनों में से जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा वो ठीक होगा उसके लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिंसिपल यहाँ लगेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस, जिस पर माइनस होता है उसे बेस कहते हैं, प्लस होता है उसे एसिड कहते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। अब बेस में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वे हार्ड बेस होते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस है और ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब कि यह हार्ड बेस हुआ। लिथियम प्लस और Na प्लस दोनों जो है हार्ड एसिड की कैटेगरी में ही आते हैं। हार्ड एसिड का है कि छोटा साइज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा नहीं है, एक अक्खी है लेकिन साइज छोटा है। अब छोटा में भी लिथियम और सोडियम से तो छोटा साइज लिथियम का है, तो लिथियम हो जाएगा यहाँ से हार्ड एसिड। और यह प्रिंसिपल कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ अस्टेबल है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ अस्टेबल है। तो यदि यहाँ ऑक्सीजन हार्ड बेस है, लिथियम हार्ड एसिड है, दोनों हार्ड है लेकिन इसकी तुलना में लिथियम का हार्डनेस ज़्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ लिथियम से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा सोडियम की तुलना में। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है जिस पे कि नेगेटिव चार्ज आना है रिएक्शन के दरमियान, उस नेगेटिव चार्ज को वहाँ काउंटर आयन के रूप में जो है सपोर्ट करेगा Li प्लस और Na प्लस, एंड Li प्लस इज मोर कंफर्टेबल फॉर दैट ओ नेगेटिव, एंड द रीजन इज सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस इंटरैक्शन, वाइल Na प्लस इज ऑल्सो कंफर्टेबल बट लेस देन लिथियम फॉर नेगेटिव ऑक्सीजन, एंड दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस इंटरैक्शन। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल भी रहा है आसानी से इससे, और फिर जो इसका काउंटर आयन लिथियम है वो बड़ा वहाँ स्टेबल भी है, किसके पास, नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, उसमें तो हाइड्रोजन आसानी से निकल भी नहीं पा रहा है और इस सोडियम प्लस उतना जो है स्टेबल भी नहीं है ऑक्सीजन के पास। तो दोनों बात तो यही बता रहा है ना कि LiLH4 इज मच मोर बेटर। उसके बाद LiLH4 में क्या होगा कि यहाँ जो सॉल्वेंट होता है
व नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और इसमें मोस्ट कॉमनली आता है ईथर। अब ईथर में नॉर्मल ईथर लो या साइक्लिक ईथर लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूराइड, वैसे इसमें हम लोग जनरली लेते हैं अल्कोहल सॉल्वेंट के रूप में, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। और अल्कोहल में भी जनरली मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, MEOH मिथेनॉल का। तो नेचर के बाद सॉल्वेंट भी हम लोग समझ चुके हैं। नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है इसमें, उसमें अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है जनरली। उसके बाद यह जो LiLH4 है ना, ये बोल रहा है कि हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर होगा ही, अल्कली मेटल जहाँ भी है मॉइस्चर से सेंसिटिव तो होगा ही, हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर भी होगा, लेकिन ये थोड़ा कम होगा। देखो वजह क्या है, यहाँ लिथियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, एल्यूमिनियम भी है, यहाँ सोडियम हाईली रिएक्टिव है लेकिन बोरोन तो उतना नहीं है, तो बोरोन पर मॉइस्चर का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, सोडियम पे पूरा पड़ेगा, यहाँ दोनों पे पड़ेगा ऐसा। तो सॉल्वेंट का नेचर समझ गए, एक्सटर्नल कंडीशन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम लोग समझ गए, एक हाईली सेंसिटिव है एक कम है। इन दोनों का IUPAC नाम लिखोगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आधार पे, तो क्या लिखा जा सकता है, लिथियम यहाँ पॉजिटिव काउंटर आयन हो गया तो हो जाएगा लिथियम। अब इसका लिखोगे तो हाइड्राइड यहाँ लिगैंड है चार है, टेट्राहाइड्रिडो, और Al है तो एल्यूमिनेट, नेगेटिव है ना तो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3। वैसे इसका लिखोगे तो हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रो बोरेट, सोडियम टेट्राहाइड्रो बोरेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। तो इतना कुछ देखने के बाद अब आते हैं कि ये दोनों कंपाउंड या जो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं LiLH4 और NaBH4, ये रिड्यूस किस तरह के कंपाउंड को करते हैं, किस तरह के कंपाउंड को दोनों रिड्यूस करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो LiLH4 चूंकि लिख चुके हैं हम लोग कि यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो अभी याद रखोगे कि LiLH4 रिड्यूसेस सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ अल्डिहाइड कीटोन किसी का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड एसिडामाइड एस्टर सी ट्रिपल बॉन्ड NO2, इनमें तो कार्बोनिल नहीं है फिर भी ऐसा, मतलब कि वैसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, वैसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, मतलब कार्बन और एक हेट्रो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, तो उन सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है या LiLH4, उन सारे ग्रुप्स को जिसमें कार्बन और एक हेट्रो एटम माने ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह इस तरह का भी ग्रुप है तो इसे भी रिड्यूस कर देगा। रीजन साफ साफ है ना कि यह न्यूक्लियोफिलिक है तो ऑब्वियसली उसी से कंबाइन करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, सिंपल सा वजह है। और न्यूक्लियोफाइल में भी स्ट्रांग हो गया इसलिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ मैनेज हो सकता है, जबकि इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि इट रिड्यूसेस सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ मेनली अल्डिहाइड एंड कीटोन, मेनली अल्डिहाइड एंड कीटोन, मुख्यतः अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल को यह रिड्यूस करता है, सबके कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अच्छा तो लगभग बातें तो स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो है सब जितना भी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड हैं सबको रिड्यूस करेगा ये मेनली अल्डिहाइड और कीटोन को। वजह क्या है,
वजह एक तो है कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हुआ, बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा के चलते इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम की वजह से। तो यदि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो यह वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के जो ग्रुप है उसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि एक पार्टनर स्ट्रांग है तो दूसरा वीक भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन यहाँ है कि खुद वीक है, और खुद वीक है तो इस केस में अब यदि तुम लोगे कोई एस्टर तो भाई यहाँ रेजोनेंस के चलते ही खुद इलेक्ट्रोफाइल वीक होता है, यहाँ लोगे अमाइड NH2 तो यहाँ भी रेजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। तो अपने भी कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है और फिर वहाँ रिड्यूसेबल ग्रुप भी तो कमज़ोर इलेक्ट्रोफाइल लोगे तो नहीं होगा, तो वहाँ नहीं होगा रिडक्शन, सिंपल सी बात है। इसलिए जो है वह केवल सी डबल बॉन्ड वो जो अल्डिहाइड कीटोन का है जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, इसलिए क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग जानते हैं कि केवल इंडक्टिव है, रेजोनेंस जैसा वहाँ कोई चीज़ है नहीं। मान के चलो कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल है, क्या करेगा, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देगा, एक ओवर एक तरफ से देगा, लेकिन इस समय इंडक्टिव में रेजोनेंस है और रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस तो काफ़ी पावरफुल है, वो तो तुरंत से एकदम लोन पेयर दे करके चार्ज को ख़त्म ही कर देता है। यहाँ दोनों है, दोनों है इसमें, इधर कोई अल्काइल होगा तो अल्काइल से इंडक्टिव मिलेगा, इधर से रेजोनेंस, और दोनों वजह से इसका प्लस चार्ज तेज़ी से हटेगा, जबकि अल्डिहाइड और कीटोन में केवल इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन मिलता है, रेजोनेंस से नहीं मिलता है। इसलिए ये दोनों जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे किसके तुलना में बाकी के जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड है उसमें। हालांकि सिरक्लोराइड को देखा जाए तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पर यहाँ रेजोनेंस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कार्बन क्लोरीन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उतना स्टेबल नहीं है साइज के वजह से, इसका 2p ऑर्बिटल होता है, इसका 3p अलग अलग साइज का है तो बढ़िया से ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो ये पाई बॉन्ड उतना इफेक्टिवली नहीं बन पाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं पहले से। अच्छा, तो बस यहाँ से इतना समझाना हम चाह रहे हैं कि व्हाई दिस रिड्यूसेस ओनली अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक कार्बोनिल, थोड़ा बहुत एसिड क्लोराइड को भी कर देगा, अमाइड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंपाउंड को वह कभी रिड्यूस नहीं कर सकता, नेवर, और ई कर देगा आसानी से, क्योंकि यह खुद जो है स्ट्रॉन्ग है तो वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ग्रुप है तो उसके साथ भी इसका एडजस्टमेंट हो सकता है। अब दोनों में से दोनों, मतलब कि LiLH4 ले लो या NaBH4 ले लो, दोनों में से कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करते हैं, ना तो ये कर पाएगा ना तो ये, और वजह साफ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ग्रुप है। किस नेचर का ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। अब ये खुद न्यूक्लियोफाइल हैं दोनों के दोनों, तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच इंटरैक्शन कैसे हो सकता, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इधर से जो अटैक करेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होता, नेवर। इसीलिए LiLH4 हो या NaBH4 हो, नन ऑफ दीज इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब है कि वहाँ कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा बस। लेकिन यदि ऐसा कंपाउंड हो ऐसा मतलब ये अल्फा बीटा बीटा पे एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग एट बीटा पोजीशन, तो यदि बीटा पोजीशन पे एरोमेटिक रिंग है तो उस केस में काम बनेगा थोड़ा सा। और इस केस में क्या होगा कि जो LiLH4 है ये रिड्यूस करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी, दोनों को रिड्यूस करेगा। अरे भाई इसको तो रिड्यूस करेगा ही, रीजन है कि यह इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको नहीं करता क्योंकि यह डबल बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफिलिक है। एक बात तो इतना समझ लो कि रिडक्शन होता किसका है, तो रिडक्शन उसी कंपाउंड का होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मेनली डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनका रिडक्शन होना ही है। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि केवल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कहीं होता है, हेलोकिन का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, होता तो सबका है, लेकिन मेनली डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप का रिडक्शन होना ही है। रीजन कि अनसैचुरेटेड होता है, वो पाई बॉन्ड वहाँ से हटेगा, तुरंत तो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस होकर के, तो
तो इन ग्रुप में रिडक्शन बहुत ही कॉमन है। तो कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच है तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच है तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो रिडक्शन तो दोनों का, दोनों रिड्यूसिबल ग्रुप है, इसमें दोनों का हो सकता है रिडक्शन। लेकिन ऐसे अलग से रहा कि केवल इथीन है और इसको रिड्यूस करो तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। जैसे ही अब इसके अगल बगल इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर जो बेंजीन है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि यहाँ काम उल्टा होएगा। काम उल्टा क्या हो सकता है, काम उल्टा क्या हो सकता है कि यहाँ फिनाइल रिंग जो आ गया वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया, तो अभी जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगा मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और तब जो LiLH4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नेचर का रिएजेंट है वो फिर जो है बड़ा तेज़ी से इस पर अटैक कर देगा। NaBH4 यहाँ भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी आएगा वह उतना नहीं आएगा, कम आएगा, तो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएजेंट चाहिए तब उस पर अटैक कर पाएगा, तो वो भी LiLH4 है बस। तो आइसोलेटेड अलग से केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो रिडक्शन नहीं होगा उसका, ना तो LiLH4 के द्वारा ना तो NaBH4 के द्वारा। लेकिन यदि बीटा पोजीशन पे है एरोमेटिक रिंग माने वैसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप, तो उस केस में LiLH4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस करेगा, NaBH4 केवल कार्बोनिल को, इसको नहीं करेगा, केवल किसको करेगा कार्बोनिल को, और एरोमेटिक का रिडक्शन तो आसानी से होता नहीं। तो नेचर हम लोग समझ गए इन दोनों का। एक दो और इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं सेलेक्टिव नेचर के, नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इतना थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे, नोट्स में हर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं, धन्यवाद।